एनफोर्समेंट दरोगा के आज के एपिसोड में हम टॉपिक नंबर 24 लेंगे होमवर्क में। ये टॉपिक्स आपको 2 दिनों के अंदर करने हैं। आज के टॉपिक में आपको टोटल 8 टॉपिक दिए जा रहे हैं। प्रतियोगिता दर्पण जनवरी जो हम कर रहे थे अभी तक, उसे हमने आज के एपिसोड में डिसकॉन्टिन्यू किया है। टोटल 8 टॉपिक्स हैं। आप बेहद इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक हैं, आपको सबको अच्छे से करना है 2 दिनों के अंदर। इसके ऊपर फिर आपको प्रैक्टिस सेट जो है ठीक तीसरे दिन मिलेगा। तो चलिए आज का टॉपिक्स लेते हैं और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। हिस्ट्री में जो है, अभी तक हमने पिछले एपिसोड में आपको दिया था गुलाम वंश करने के लिए, स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी जो है उसका अंतिम शासक था कौन? समुद्दीन कैमूर्स। यह आपको याद होना चाहिए, आप लोगों ने किया होगा। समुद्दीन कैमूर्स जो है वह गुलाम वंश का अंतिम शासक था और गुलाम वंश के शासन को समाप्त करके 13 जून 1290 को जलाउद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट है, खिलजी वंश से प्रश्न पूछ लेते हैं, आपको एक नज़र में इनको देखना है। अलाउद्दीन जो है दिल्ली का सुल्तान कब बना था? जब आप खिलजी वंश करेंगे तो इस दौरान आपको अमीर खुसरो का के बारे में पढ़ने को मिलेगा। अमीर खुसरो का जो मूल नाम है वह मोहम्मद हसन था, जिसका जन्म जो है पटियाली में हुआ था। इसी तरह आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में जो है सेनाओं को वेतन देने का क्या व्यवस्था था। ये सब इम्पॉर्टेंट है, आपको ये जो है एक नज़र में देख लेना चाहिए। एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से इससे प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं, कोई सब एग्जामिनेशन आप ले लें, तो इसलिए इसको अच्छे से कीजिएगा। दूसरा टॉपिक जो है ज्योग्राफी का, हम जो कर रहे हैं नदियों के किनारे बसे विश्व के प्रमुख नगर और विश्व के प्रमुख जलप्रपात। अभी हम वर्ल्ड ज्योग्राफी ले रहे हैं, इससे पहले भी हम लोगों ने कॉन्टिनेंट को 1 बाय 1 करके कंप्लीट किया है। अभी हम फोकस कर रहे हैं जो भी इम्पोर्टेंट है वहाँ के, माउंटेन्स हो, रिवर्स हो, स्ट्रेट्स हो, इन सब को हम एक सेपरेट तौर पे आपको दे रहे हैं ताकि इससे कुछ भी प्रश्न आपका नहीं छूटे। तो नदियों के किनारे बसे विश्व के प्रमुख नगर की अगर बात करें तो इसमें आपको मैप रख के, एटलस रख के पढ़िए। एटलस रख के पढ़ने से जो चीज़ें काफ़ी क्लियर होंगी, जैसे बगदाद जो है वो कहाँ है? वो इराक में। वो किस नदी के किनारे स्थित है? टिग्रिस, टाइग्रिस नदी के किनारे स्थित है। उसी तरह पर्थ कहाँ पर है, किस नदी के किनारे स्थित है? पर्थ जो ऑस्ट्रेलिया में है वह स्वान नदी के किनारे स्थित है। इसी तरह लंदन कहाँ पर स्थित है, किस नदी के किनारे? तो थेम्स नदी के किनारे स्थित है। तो जितने महत्वपूर्ण शहर हैं विश्व भर में, आपको एक नज़र में तो सब पता होना चाहिए। मैं और एटलस लेके पढ़िए ताकि चीज़ें आपके दिमाग में काफ़ी दिनों तक रहें। इसी तरह जब हम विश्व के प्रमुख जलप्रपात की बात करते हैं तो जैसे है जोग, जो गढ़सोप्पा वाटरफॉल है वह कहाँ पर है? आप सबको पता होगा यह भारत में। नियाग्रा वाटरफॉल जो है वह कहाँ पर है? तो वह कनाडा और अमेरिका की सीमा पर है। तो इस तरह से आपको इन चीज़ों को जो है टोटलिटी में पढ़ना है, क्योंकि जितने भी चीज़ें हैं, ज्योग्राफी ले लो, आप हिस्ट्री ले लो, कुछ भी, वो सारी चीज़ें क्या हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि हर चीज़ों को एक दूसरे से कनेक्ट करके पढ़ाई करना, ताकि इससे जो चीज़ें हमें काफ़ी आसान लगे। तीसरा टॉपिक जो है पॉलिटी का, हम करेंगे आज नीति आयोग। नीति आयोग का जो फुल फॉर्म होता है यह अभी कितनी बार परीक्षाओं में पूछा चुका है, तो नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये जो है इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को, और यह अभी प्रश्न पूछा जा चुका है पहले परीक्षाओं में कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। और कई बार यह भी प्रश्न पूछा है कि नीति आयोग की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने कब की थी, तो उन्होंने जो घोषणा की थी 15 अगस्त 2014 को। नीति आयोग जो है वह प्लानिंग कमीशन के प्लेस पर लाया गया है, एक थिंक टैंक के तौर पे। अगला जो टॉपिक है इकोनॉमिक्स में, हम आज करेंगे भारत में प्रतिभूति मुद्रण और सिक्कों का उत्पादन कौन सी एजेंसी है भारत में जो यह करती है। आपको एटलीस्ट इनके नाम पता होने चाहिए और इनका जो हेडक्वार्टर किस शहर में स्थित है। जैसे इंडिया सिक्योरिटी प्रेस अगर आप बात करती है, कहाँ है? नासिक में, जो कि महाराष्ट्र में। और इसका काम क्या है ये आपको पता होना चाहिए। जो इंडिया सिक्योरिटी प्रेस है इनका जो काम है, यह बॉन्ड को प्रेस करती है, बॉन्डों को छापती है, किसान विकास पत्र को छापती है, पासपोर्ट को छापती है, इन सबको जो प्रिंटिंग का काम इनके ही पास है। इसी तरह सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद में है, तो इनका जो काम क्या होता है, इनका काम होता है कि डाक लेखन सामग्री की मांगों को पूरा करने के लिए
जो है उत्पाद शुल्क स्टाम्प की या छपाई करते हैं। इसी तरह आपको करेंसी नोट प्रेस, यह कहाँ पर है? करेंसी नोट प्रेस जो है यह भी नासिक में है, और यहाँ पर 10 रुपये, 50, 100, 500 और 1000 रुपये के बैंक जो है वह नोट छापती है। इसी तरह आपको बैंक नोट प्रेस जो है देवास में भी है। देवास कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो आपको ऐसे इंस्टीट्यूशंस के बारे में इसमें दिखाई देगा, जो कि एक जीके, बेसिकली जीके का आप कहोगे तो फैक्चुअल है, उससे परीक्षा में क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। अगला टॉपिक देखते हैं जीके में, अब हम करेंगे जीके भी, हालांकि 100% कंप्लीट हो गया हमारा। आप लोगों ने जो लोग टॉपिक 24 टॉपिक जो लोग कर रहे हैं कॉन्टिन्यूस, जो हमारे साथ बने हुए हैं, आप लोगों ने ऑलमोस्ट 95%+ जो है जीके का सिलेबस कंप्लीट कर लिया। इससे बाहर जीके नहीं आ सकता है, बस ज़रूरत है कि आपको रिविजन करने की। हम जीके में आज देखेंगे विश्व के कुछ प्रमुख संगठन, जैसे WTO के बारे में। WTO की स्थापना कब हुई आपको यह पता होना चाहिए, इसका मुख्यालय कहाँ है यह तो जरूर पता होना चाहिए। इसी तरह यूरोपियन यूनियन, जो यूरोपीय संघ है, इसकी स्थापना कब हुई और जो इसका मुख्यालय है वह कहाँ है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो ऐसे आपको नासा के बारे में, ESA के बारे में, इसकी स्थापना कब हुई, इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये सब चीज़ों को बहुत कंसाइज मैनर में दिया हुआ है लिसन में, आप इसको देख लेंगे। फिर हम जो है अगस्त महीने के महत्वपूर्ण दिवस, राष्ट्रीय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दिवस को देखेंगे। आज अगस्त में आपको विश्व युवा दिवस दिखाई देता है। विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड यूथ डे, हम नेशनल यूथ डे की बात नहीं कर रहे, तो विश्व युवा दिवस जो है वो मनाया जाता है 12 अगस्त को। इसी तरह राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? आपको यह अगस्त में महीने में ही मनाया जाता है। अगला टॉपिक देखते हैं आज हम स्पीडी जीके में। अभी तक हमने फिजिक्स का रिविजन किया है, केमिस्ट्री का किया है, आज हम करेंगे बायोलॉजी का। स्पीडी जीके से करने का हमें फायदा यह है कि ल्यूसेंट से तो हमने कवर किया ही है, स्पीडी जीके ल्यूसेंट के फैक्ट्स को लेकर आता है और कुछ नए फैक्ट्स भी जोड़ता है जो कि एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन रिलेटेड। तो आप इनको मिस नहीं कीजिए, इनको रिविजन कीजिए। और आज आपको करना है जीव विज्ञान, इसमें आपको जो है 1 पॉइंटर्स में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखाई देंगे, जैसे कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, तो वाटसन और क्रिक ने दिया था। इसी तरह आपको इसमें फैक्ट दिखाई देगा कि एक मनुष्य के शरीर में लगभग कितना लीटर रक्त रहता है, तो 5 से 6 लीटर रक्त रहता है। हालांकि ये सब इंफॉर्मेशन आपको जो है ल्यूसेंट और या क्राउन जीके में मिल जाएगा, पर इसमें जो है आपको 1 पॉइंटर के हिसाब से आपका रिविजन अच्छा खासा हो जाएगा। पेज नंबर आप देख लेंगे, पर टॉपिक आपको यह करना है। इस तरह से हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को जो अच्छा खासा एक रिविजन कर लेंगे इसके थ्रू। हालांकि हम लेशेंट को भी रिवाइज करेंगे, पर अब इम्पॉर्टेंट है कि हम इसका जो है वो टच नहीं छोड़ें, जो हम करते आ रहे हैं उसका एक लिंक नहीं टूटना चाहिए। अगला टॉपिक देखते हैं, और अगले टॉपिक में आज हम करेंगे भारत की जो है प्राकृतिक वनस्पति। इससे पहले हमने किया था जलवायु, जलवायु जब हम करें तो उसके साथ साथ वनस्पति को करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इन दोनों का जो है एक साथ कोऑर्डिनेशन होता है। जब आप करेंगे तो आपको इसमें जो पढ़ना है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन वह क्या होते हैं, और यह इनके जो है इनके वनों में व्यापारिक महत्व के कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, यह वृक्ष कहाँ पे होते हैं, तो जहाँ पे वर्षा जो है 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है उन क्षेत्रों में जो है यह बारिश होती है, उन क्षेत्रों में माफ कीजिएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं। इसी तरह आपको शुष्क मरुस्थलीय कांटेदार वनस्पतियों और उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों के बारे में पढ़ना है। तो यह महत्वपूर्ण चैप्टर है, इससे प्रश्न रहता है। आप भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं तो आप इन चीज़ों को स्किप नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जो है आज के एपिसोड का जो आखिरी टॉपिक है, प्रतियोगिता दर्पण फरवरी का हम कर रहे हैं, उसमें पुरस्कार सम्मान और राज्य समाचार दोनों करना है आपको। पुरस्कार और सम्मान की जब बात करें तो आपको मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, आपको ऐसी चीज़ें इसमें दिखाई देंगे। फिर फेमिना मिस इंडिया जो है वह कौन बनी है, फिल्म फेयर अवार्ड्स, बैलन डियोर अवार्ड्स 2019 का जो है सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का अवार्ड किसे दिया गया है, टाइम्स पर्सन, टाइम पत्रिका की जो है पर्सन ऑफ द ईयर 2019 का अवार्ड किसे दिया गया है, यह किताब आपको जो दिया गया है वह दिया गया है ग्रेटा थनबर्ग को। यह 16 साल की है और यह प्रश्न तो बहुत ज्यादा चांस है कि पूछा जा सकता है, 16 साल की है और इन्हें जो है
टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया 2019 के लिए। तो ऐसी चीजें आपको पुरस्कार और सम्मान में दिखाई देंगी, पेज 34 से 36 में मिलेगा। उसके बाद जो हम करेंगे राज्य समाचार, राज्य समाचार में जो है आपको उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जितने भी राज्य हैं उनके उस राज्य में जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं उन सबको आपको एक नज़र में देखना है, क्योंकि जो भी राज्य से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, जो भी राज्य में घटनाएं हैं उन्हें भी परीक्षा में पूछा जाता है, कुछ भी अगर महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं तो। इस तरह से आपको यह टॉपिक्स 2 दिनों के अंदर करना है। अभी हम आपको कल जो है आपको 23 नंबर का प्रैक्टिस सेट 1 मिलेगा और 22वें एपिसोड का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 भी हम आपको देने की कोशिश करेंगे कल। आप जो लोग टॉपिक्स के साथ बने हुए हैं हम आशा कर रहे हैं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। कुछ विद्यार्थी हैं जो कि लगातार हमारे साथ 24 टॉपिक तक कंटिन्यू कर किए हैं और हम ऐसी आशा करते हैं कि उनकी तैयारी कईयों की अपेक्षा बहुत अच्छी होगी। इसी तरह आप पढ़ते रहिए। जो लोग नए जुड़े हैं आप घबराने की जरूरत नहीं, आप फिर से जाइए, प्लेलिस्ट है जो है सारे एपिसोड्स का प्लेलिस्ट है, आप टॉपिक्स का प्लेलिस्ट उठाइए, प्रैक्टिस सेट उठाइए और सबको एक अपने टाइम के हिसाब से कंप्लीट कर सकते हैं। इसी के साथ हम आज का एपिसोड समाप्त करते हैं और जिनको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और PDF जिनको चाहिए वह टेलीग्राम चैनल एग्जामिनेशन बुद्धा को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, अपना ध्यान रखिए और कोरोना वायरस से बच के रहिए, क्योंकि यह जो है एक ग्लोबल प्रॉब्लम बन चुकी है। आप सभी इसके बारे में अवेयर होंगे पर हमारा भी काम है, हम आपको मैसेज देना चाहते हैं, कोरोना वायरस से बच के रहना ही सबसे बड़ी हमारी जिम्मेदारी है। थैंक यू, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।